हे गाइज, वेलकम इन एजुकेशन का इम्पोर्टेंस। गाइज, इस वीडियो में मैं आपको एक एक्सपेरिमेंट करके बताऊंगा जिसका रिजल्ट मैं आपको बाद में बताने वाला हूं, तो आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। तो शुरू करते हैं। मेरे पास ये दो एग हैं और ये दो गिलास हैं। अब मैं दोनों में इक्वली वाटर डालूंगा और एक में सिंपल वाटर रहने दूंगा और दूसरे में मैं सॉल्ट ऐड करूंगा और उसका सॉल्यूशन बनाऊंगा। तो मैं इसमें ये हाफ गिलास, मैंने हाफ ग्लास में वाटर हो गया और इसमें भी मैं हाफ ग्लास वाटर ऐड कर रहा हूँ। दोनों में मैंने हाफ हाफ ग्लास वाटर ऐड कर दिया है। अब यहां पर देखिए, मैंने दोनों में हाफ हाफ ग्लास वाटर ऐड किया हुआ है, आप देख पा रहे हैं। अब मैं इसमें ये एग डाल देता हूं। तो जैसा कि मैं आप देख पा रहे हो, ये एग इसमें बिल्कुल डूब गया है। अब मैं क्या करूंगा, इसमें एक चम्मच साल्ट ऐड करूंगा, ये नमक है, और इसको अच्छी प्रकार से हिलाऊंगा। इसको अच्छी प्रकार से शेक कर लेंगे, इस प्रकार से हिला लेंगे ताकि ये जो साल्ट है इसमें पूरी रूप से मिल जाए और ये सॉल्यूशन बन जाए। तो ऑलमोस्ट ये पूरा मिल गया है इसमें। अब जैसा कि आप देख पा रहे हो, ये सॉल्यूशन बन गया है। अब हम ये नेक्स्ट जो एग है इसको इसमें डालेंगे। तो जैसा कि आप देख पा रहे हो, ये एग है इसमें तैर गया और ये हमारा नॉर्मल वाटर था जिसमें मैंने कुछ भी ऐड नहीं किया हुआ था, इसमें एग है वो डूब रहा है। अब मैं इसका आपको रिजल्ट बताता हूं। तो फाइनली क्या होता है, हमें ये पता होना चाहिए कि वाटर में कोई भी चीज है वो कब तैरती है, जब उस वस्तु का डेंसिटी है वाटर की डेंसिटी से क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। तो यहां पर ये जो एग है इसका घनत्व पानी से क्या है, ज्यादा है, इसलिए ये इसके अंदर डूब गया। अब यहां पर हम देखेंगे कि जब मैंने इसमें एक चम्मच नमक डाल दिया तो ये पानी है वो सॉल्यूशन बन गया। तो इसका जो घनत्व है वो अंडे के घनत्व से क्या है, ज्यादा है, इसलिए ये अंडा इसके अंदर तैर गया। तो गाइज, आपको हमारा ये एक्सपेरिमेंट कैसा लगा? अगर ये आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक यू।